चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मजदूरों के नाम पर लगातार केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासत चल रही है। भूपेश बघेल सरकार भी छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए कई तरह के दावे करती रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। महाराष्ट्र से रायपुर लौट रहे मजदूरों से हमारे संवाददाता जयप्रकाश त्रिपाठी ने बात की, आप भी सुनिए। कहाँ काम करते थे तुम लोग? पुणे में, पिंपरी में। अच्छा, पूना में? हाँ, पूना में। तो ये गाड़ी बुक करके आए हो तुम लोग? हाँ, हाँ। कितने में? ये एक आदमी से 2200 रुपया लिया। 2200? हाँ, 2200। तुम कहाँ काम करते थे? पुणे में, मालुंगे में। अच्छा, ये कितने लोग इसमें गाड़ी में? अभी इसमें लगभग 65 लोग। 65 लोग? कहाँ के हो तुम? सब छत्तीसगढ़ के, ये अलग अलग जिले के हैं सब। तो सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली? नहीं, कुछ मदद नहीं। नहीं नहीं, कुछ मदद नहीं। कितना फार्म भरे, मेडिकल, ऑनलाइन ऑनलाइन सब फार्म भरने को बोला है, फार्म हम सब भरे हैं, लेकिन नहीं, एक दो महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। फार्म भरे थे? हाँ सर, फार्म भर चुके हैं, पर भी कुछ नहीं हुआ। ये देख सकते हैं तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है ये लोग निकले हुए हैं। और कहाँ जाना है? छत्तीसगढ़ गाँव जाना है, मुंगेली, मुंगेली जिला छत्तीसगढ़। कहाँ काम करते थे? पुणे शहर, महाराष्ट्र में। तो अपने से पैसा दे के आए हो? हाँ, अपने से पैसा दे के आए। कितना पैसा दियो? 2200। एक आदमी का 2200 रुपया दिया। 2200 रुपए? हाँ। चले वहाँ से, पुणे से? मतलब कल चला हम लोग। कल चले, आज पहुँचे हो? हाँ। सरकार से कोई मदद मिली? कुछ नहीं मिला हमको। सरकार दिया? ना, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला हमको। हाँ, अपने को कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से, अपने जेब से हम लोग आए हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है इन लोगों के लिए कुछ करेगी, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन इंतज़ार के बाद जब सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली, तो इन लोगों ने अपने से ही 2200 रुपये का कलेक्शन किया और ये गाड़ी बुक की। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24 रायपुर।